दोस्तों, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि जो भी कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद करना चाहता है वो पीएम केयर्स फंड में दान कर सकता है। इसके बाद क्रिकेट के कई बड़े सितारों ने इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में पैसे दान किए और कई अन्य तरीकों से अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया। आइए जानते हैं इनके बारे में और आपको बताते हैं कि किसने कितना कितना डोनेट किया। भारतीय महिला ओडीआई क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज ने ट्विटर पर बताया कि वो 5 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में और 5 लाख रुपए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करेंगी। दोस्तों, बाएं हाथ के घातक बल्लेबाज सुरेश रैना, जिनकी आतिशी पारियों के हम सब दीवाने हैं, उन्होंने 52 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करने का फैसला किया, जिसमें वो 31 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में और 21 लाख रुपए यूपी चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में दान देंगे। पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 28 मार्च को ट्विटर पर लिखा कि वो अपने एमपी लैड फंड से 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करेंगे और साथ ही साथ अपनी 1 महीने की सैलरी भी सेंट्रल रिलीफ फंड को डोनेट करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज, पूर्व कप्तान और दादा के नाम से जाने जाने वाले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी ने 50 लाख रुपए के चावल डोनेट करने का ऐलान किया है। ये चावल जरूरतमंद लोगों को 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड में बांटे जाएंगे। दोस्तों, पठान भाइयों इरफान पठान और यूसुफ पठान ने 23 मार्च को ट्विटर पर लिखा कि वो 4000 फेस मास्क हेल्थ डिपार्टमेंट को डोनेट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन महमूद खान पठान चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि उनके पिताजी के नाम पे है, उसके वाजिब से करे जाएंगे। क्रिकेट के भगवान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो कि हमेशा से ही चैरिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और 25 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करे हैं। हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि वो 80 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें 45 लाख पीएम केयर्स फंड में, 25 लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 5 लाख फीडिंग इंडिया फंड में और 5 लाख वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स फंड में जाएगा। दोस्तों, हमारे कैप्टन विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा कि वो और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी पीएम केयर्स फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना अपना योगदान देंगे और उन्होंने देशवासियों से निवेदन किया कि इस मुश्किल वक्त में सभी आगे आकर जितना हो सके उतनी मदद करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।